नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हटेला न्यूज। झारखंड में नए सिरे से हुआ परिसीमन और उसी के अनुसार 2024 में होगा चुनाव। झारखंड में भौगोलिक और श्रेणीगत तरीका से हुआ परिसीमन। इस न्यूज का भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में। इसलिए लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि झारखंड में विधानसभा के सीटों के साथ साथ लोकसभा की सीटों में भी परिसीमन का काम हुआ है और इसी के संदर्भ में 2024 में चुनाव होगा। दरअसल ये खबर 2007 की है, क्योंकि 2007 में पूरे भारत देश में परिसीमन का काम हुआ था और 2009 में लागू भी हुआ था। और भारत परिसीमन आयोग नई दिल्ली के चिट्ठी के अनुसार ये 2007 में किया गया था, क्योंकि झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट है। लेकिन ये सीटों में कोई परिसीमन का काम नहीं होगा। भौगोलिक स्थिति और आरक्षित श्रेणी में परिसीमन का काम होना था, लेकिन झारखंड में ये काम नहीं हुआ, क्योंकि झारखंड के जितने भी एसटी विधायक थे, क्योंकि झारखंड में आरक्षित सीट एसटी के लिए 28 है और एसी के लिए 8 है, और नए परिसीमन के आधार पर एसटी की सीटें घटकर 28 से 22 हो जाएगी और एसी की सीट 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन फिलहाल बरहेट से विधायक है। अगर नए सिरे से अगर परिसीमन होता है तो उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बरहेट से हड़वा हो जाएगा। इस प्रकार की खबरें जो हो रही है ये बिल्कुल बात अफवाह है, बेबुनियाद है, क्योंकि इसके साथ एक चिट्ठी भी प्रसारित की जा रही है। चिट्ठी 2007 की है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा की सीटें 81 हैं और लोकसभा की सीटें 14 है। ये बात चिट्ठी के माध्यम से दर्शाई जा रही है। और जिस समय ये 2007 में होना था, उस समय झारखंड में के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे और कांग्रेस और जामुमू के समर्थन से यहाँ पर सरकार चल रही थी, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और यूपीए के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी थे। और उस समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा झारखंड के एसटी विधायकों ने विधानसभा में एक विरोध प्रदर्शन किया था कि अगर नए सिरे से परिसीमन होता है तो एसटी के विकास की जो धारा है वो रुक जाएगी। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सारे एसटी विधायकों के साथ जो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उनसे ये अर्जी की थी कि झारखंड में परिसीमन का काम ना किया जाए, क्योंकि इससे झारखंड का जो एसटी का जो सीटें हैं वो घट जाएगी और एसटी विकास की धारा पर नहीं आ पाएंगे। उसके बाद झारखंड में 2007 में परिसीमन का काम नहीं हुआ था और उस समय पूरे भारत में भी परिसीमन का काम हो रहा था और 2009 में लागू भी हो गया था, लेकिन झारखंड में एसटी विधायकों ने झारखंड विधानसभा में विरोध करने के बाद से यहाँ पर ये परिसीमन का काम नहीं हुआ था। क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी जो समाचार जो वायरल हो रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि ये खबर 2007 की है। इसलिए वर्तमान के जितने भी विधायक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये खबर 2007 की है। अगर परिसीमन होता भी है तो भौगोलिक क्षेत्र की परिसीमन होगा और आरक्षित सीटें की परिसीमन होगा, ना कि सीटों का ये होगा। इसलिए अभी जितने भी वर्तमान में जो विधायक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समाचार को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में हमारा हटेला न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरे नए से नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे समर्थन करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार से नए वीडियो आपके साथ लेकर आता रहूं। धन्यवाद।